सो यार आज मेरा स्किन केयर एंड सेल्फ पैम्परिंग डे है। हेलो एवरीवन, दिस इज निशमा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1st of February एंड इट्स ट्यूसडे एंड आई जस्ट वोक अप एन आर अगो। मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी एंड अभी उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा फ्रेशन अप हुई। लेट्स सी आज क्या होता है। और एक अपडेट मेरी लाइफ का कि हम लोग कल एक्चुअली कोलकाता जा रहे हैं, मैं, पापा, भाभी और लाडो। भाभी का एक्चुअली घर है कोलकाता में एंड हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, जो कि एक शादी की शॉपिंग होगी। हम लोग कहीं और जाएंगे शादी में, बट उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग जाएंगे कोलकाता। सो आज का व्लॉग घर में होगा, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा सीधा कोलकाता जाते हुए। सो यार स्टे ट्यून्ड। सुनो, ऐसे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो दोनों। अपना स्किन केयर करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, सो मैं स्किन केयर करूँगी आज। स्किन केयर इन द सेंस, मेरे को आज अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को ग्लो करना है, अपने आप को अच्छा फील कराना है। फर्स्ट स्टेप आई बी डूइंग माई फेस वॉश एंड रिसेंटली मैं अपना जो फेस वॉश एंड ऑल जो कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का फेस वॉश एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज सूटिंग माई स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर यूजिंग इट मेरा स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से बनता है, नो पैराबेन, नो सल्फेट्स एंड वॉट नॉट, ओके, एंड मोस्टली इट इज़ केमिकल फ्री। ऑल्सो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं अपने साथ में बेचते हैं सारे प्लांट्स से, ताकि हम भी प्लांट्स को ग्रो करें। यही फैक्ट है जो मुझे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करवाता है, सो आई बी यूजिंग दिस नाउ। और सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी, ये जो ब्रशेस है ये सारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हमको अपने हाथ की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको पंप करने का है। जस्ट पंप इट एंड प्रेस इट, ऐसे पंप करो, प्रेस करो एंड ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। दिस इज माई फेस आफ्टर वॉशिंग द फेस वॉश एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है स्किन को, बहुत ही सॉफ्ट लगती है स्किन एंड बहुत ही नेचुरल लगती है। यू कैन सी मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जैसा कैमरे में दिख रहा है वैसा ही ओरिजिनली दिख रहा है एंड आई एम लविंग दिस फेस वॉश अ लॉट। अगर आपको ये फेस वॉश ऑर्डर करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक्स मिलेगी, जाके प्लीज़ ऑर्डर कीजिए। एंड फॉर इजी एंड कन्वीनियंस वे आप इनके ऐप में जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड इट विल बी मोर कन्वीनियंट। यू कैन बाय इट ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वाव के खुद के ओरिजिनल साइट पे। सो गो एंड परचेज दिस प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूज़ करने वाले हैं चारकोल का फेस मास्क, जो कि मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का। दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड हम लोग यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि मेरे को इतना ये स्किन केयर से इतना लगाव नहीं है। बट मेरी फ्रेंड जो है श्रुति, वो मुझे हमेशा इंसिस्ट करती है कि यू शुड डू दिस एंड ऑल। सो उसके वजह से मैंने स्किन केयर करना स्टार्ट किया है फाइनली, थैंक्स टू हर। अगर आपको उसके रिकमेंडेशंस एंड उसके टिप्स के बारे में जानना है स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, सो यू कैन गो एंड चेक आउट हर इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो हर। सॉरी, एक्चुअली मैंने ये सब जो है निकाल दिया था कॉल पे बात करते करते, ये निकल गया एंड बहुत ज़्यादा पेन हुआ, थोड़ा बहुत जो बचा है वो निकाल रही एंड ये भी कंप्लीट हो गया एंड माई स्किन लुक सो 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 सॉफ्ट। एक्चुअली ये जो निकालने का पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, ये पूरा ऐसे निकल गया है, वाओ वाओ। सो हमारी भाभी है, भाभी आटा लगा रही है। हाय भाभी।
सो भाभी यहाँ पे खाने का प्रिपरेशन की है, आलू गोभी की सब्जी बनी है इधर में, यहाँ चावल बन रहे हैं, यहाँ पे दाल बन चुकी है। मेरी भाभी फटाफट सारा काम कर दे रही है। हाँ भाभी तू क्या कर रही है नेहा? मैं टाइम पास कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही है। लाडो माता क्या कर रही है? लाडो माता अपनी सो रही है, इसीलिए भाभी के चेहरे पे मुस्कान है। भाभी इतनी खुश है कि लाडो सो गई, क्योंकि भाभी सोने से ही भाभी का सारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे लाडो सो रही है। एक्चुअली लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैं उसका वीडियो बना रही थी और वो जग गई थी, बट राइट नाउ भगवान करे ये ना उठे। इतने सारे पिलोज कवर्स, ये रही लाडो। एक्चुअली मैंने एक वीक हो गया हेयर वॉश नहीं किया, तो मैं जाऊंगी आज हेयर वॉश करने के लिए। सो उससे पहले मैं थोड़ा ऑयलिंग कर दूं अपने हेयर्स में। कोलकाता जाऊंगी ना, थोड़ा अच्छे से तैयार होना है मेरे को। अपने घर में ये वाला ऑयल चलता है मोस्टली, हमेशा ये निहारी तेल लेके आते हैं हमारे घर में। ऑयलिंग इज डन, सो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, हेयर वॉश करके आऊंगी एंड उसके बाद थोड़ा जो चेहरे पे लगाने का है, जो श्रुति बोलती है वो लगाऊंगी, वो मैं आज ही कर रही हूँ बस, ऐसे रोज मैं कभी नहीं करती। तो इधर कुछ कपड़े धो के रखे हुए हैं, इसको मेरे को समेटने हैं, सो या मैं वो समेटूंगी। लाडो नाई नाई कर लिए। लाडो नाई नाई किया? लाडो नाई नाई किया? नहीं किया। सो लाडो और मैं नहा चुके, एकदम प्यारी प्यारी बच्ची बन चुके हैं। तो हम नहा चुके, अभी हम जाएंगे बाहर धूप में बैठेंगे, धूप में थोड़े बाल सुखाएंगे एंड देन वी विल हैव लंच। वैसे तो नॉर्मली मैं नहाने के बाद ये वाला मॉइस्चराइजर बायोटिक का जो है ये यूज करती हूँ हमेशा नहाने के बाद, बस यही एक मॉइस्चराइजर लगाती हूँ अपने फेस पे। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वाव का फेस मॉइस्चराइजर, ये भी बहुत ही अच्छा है एंड इसकी एक अच्छी चीज है, इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। स्मेल है इसकी ये पूरी, मतलब रिफ्रेशिंग फील कराती है, एकदम पूरा फ्रेशन अप लगता है लगाने के बाद एंड ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा ऑयली ऑयली और ग्रीसी नहीं लगता है। सो इट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। So yeah, I am ready. Yeah! हम धूप में आ गए। मेरा गोलू टिचुम टिचुम। लाडो लाडो क्या कर रही हो तुम? धूप खा रही है धूप। क्या क्या बोली? मैं जाऊं? मैं जाऊं? यार आजकल तो बुआ की कोई कदर ही नहीं करता। लाडो बुआ अच्छी है कि गंदी है? गंदी। बुआ को गंदी बोलती है यार मेरी भतीजी, जबकि मैं ही सबसे ज्यादा इसको प्यार करती हूँ और मैं ही ज्यादा इसकी केयर करती हूँ, बट यही होता है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनकी केयर करते हैं, वो हमें इस बच्ची की तरह ग्रांटेड लेते हैं। जी यहाँ बैठने लायक नहीं है, इसको अंदर घर में छोड़ के आऊंगी। सो राइट नाउ पापा आए हैं। पापा एक्चुअली मैं उनको बोली थी कि मतलब अभी ट्रैवल वगैरह होगा, हमको बाहर जाने का होगा, तो हमको पावर बैंक चाहिए होगा। सो ही जस्ट बॉट एन पावर बैंक, 10,000 mAh का है ये वाला। लेट्स सी कि कैसा है, कैसा काम नहीं करता। 1 year का वारंटी है, शॉप से ही लेके आए यहाँ से। आई थॉट कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, पर ऑनलाइन आते आते 4-5 days लग ही जाएगा एंड हम लोग एक्चुअली कल जा रहे हैं, तो रास्ते में चाहिए होगा। सो या दिस इज द पावर बैंक वी हैव गॉट, न्यू पावर बैंक इन द हाउस। सो गाइज अभी बज गए हैं शाम के 7, बहुत ज़्यादा ठंड है आज, मतलब एक्सट्रीम ठंड है यहाँ पे। पता नहीं मेरे को ही लग रहा है कि सीरियसली ठंड है, उस दिन से 5-7 दिन से ठंड ही ठंड लग रहा है एंड मैं ब्लैंकेट ओढ़ के तब से बैठी हूँ। सीरियसली मेरी आईज दुखने लग गई और मेरे को खाली योनिंग आ रही है, मतलब हाई मार रही हूँ एंड 10 मिनट के लिए मेरे को नींद भी आ गई थी ज़ोरदार, मेरी आँखें सीरियसली बहुत ज़्यादा नींद में है। तो अभी मेरे को गरम गरम कुछ खाने का या कुछ करने का मन कर रहा है, नहीं भी कर रहा है,
इट हैपेंस. सो राइट नाउ मैं कुछ बना के लेके आई अपने लिए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक आई लव टू ईट दिस थिंग एवरी टाइम एंड बहुत स्पाइसी भी होती है. मेरे हाथ की तो मोस्टली स्पाइसी होती है. मैं नॉर्मल भी बनाती हूँ बट मुझे मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है. सो या आई लव झालमुड़ी. झालमुड़ी इज़ माई लव. मतलब मुझे कभी भी दे दो मैं खा लूँगी. मतलब बोल रही हूँ तो भी मेरे मुँह से पानी आ रही है. सो या दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट थिंग. एंड स्पेशली मुझे स्पाइसी, चटपटे, खट्टे ऐसी टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. सो या अभी मैं वो खाऊंगी. आई विल शो यू मैंने कैसे बनाया. मैं झालमुड़ी नॉर्मल बनाई हूँ आज. मूढ़ी, मिक्सचर, कच्चा प्याज, मिर्ची, धनिया पाउडर, अचार और थोड़ा सा सरसों तेल एंड वो सब का मिक्सचर करके मैं लेके आई हूँ. सो आई विल शो यू वेट. सो ये रहा मेरा झालमुड़ी. इट्स नॉर्मल बट आई लव दिस. हैव सम फॉर यू. ये बच्चा उठ गया. लाडो मम्मा क्या बनी है. भाभी एक्चुअली चारकोल मास्क लगाई है इसके लिए बोल रही है मम्मा. और लाडो का हम लोग पैर बांध के से रखते हैं. वो बहुत बदमाशी करती है इसके लिए. मैं और लाडो फिंगर चिप्स खा रहे हैं.